एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के रजाकर वाले बयान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह आईएसआईएस का अड्डा बताकर हैदराबाद की जनता को बदनाम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वह डरकर गुजरात चले गए। दरअसल 2 मई को अमित शाह हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा, 40 सालों से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, 40 साल से रजाकर के प्रतिनिधि संसद में जाकर बैठे हैं, इस बार मौका है माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को साफ अर्थों में रजाकर से मुक्ति दिलाइए। अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए 3 मार्च को ओवैसी ने हैदराबाद में कहा, अमित शाह कहते हैं हैदराबाद पर 40 सालों से रजाकर का कब्जा है, कभी कहते हैं रोहिंग्या का अड्डा, कभी कहते हैं आईएसआईएस का अड्डा, तुम क्या कर रहे थे 10 साल से सरकार में बैठकर इन अड्डों के लिए। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ कोई रजाकर नहीं रहते हैं, रजाकर तो पाकिस्तान चले गए, यहाँ सिर्फ वफादार रहते हैं और ये वफादार 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं, इस बार भी अमित शाह और मोदी को हराएंगे।